अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है जी? मेरा मोहम्मद इलियास। मेरा ताल्लुक तो बरा से है लेकिन मैं रहता इधर वाड़ी में हूँ और इधर एग्री टूरिज्म में काम करता हूँ। अच्छा, मेरा नाम सनाउल्ला है और जो कैमरा मैन उसका नाम खालिद है। हम यहाँ पर आज इसलिए आए ताकि हम देख सकें कि ये जो आप लोगों ने खशल रिजॉर्ट बनाया है, ये किस हद तक खूबसूरत है और कितना बड़ा है और यहाँ पे कितने फैसिलिटीज है। हमारे पास जो हमने रिजॉर्ट बना लिया है, अगर आप लोगों को देखने उधर में दिखा दूंगा, उस साइड पे उसमें तीन रिजॉर्ट नए बने हैं। उसमें एक है वीपी रिजॉर्ट, उसका 6000 रुपए पर नाइट 6000 वो एक बेड रूम है। पर रूम पर नाइट जो पर नाइट एक क्वार्टर है, अलग क्वार्टर समझ लो अपना घर है। एक घर के आपको 6000 वो वीपी रूम से, दूसरा के डबल बेडरूम वो 8000 का है पर रूम, 4000 का एक रिजॉर्ट है जो 4000 का। अच्छा, और हमारे पास दूसरे जो रेस्टोरेंट में कमरे हैं पर रूम 2000 के। अगर आप मेट्रेस पे लेना चाहते हैं तो उसका हम थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, गुंजाइश कर लेते हैं। गुंजाइश कर लेते हैं। यहाँ पे जो खाना ये सब कुछ अवेलेबल है? अगर आप हमारे यहाँ पर खाना खाना चाहते हैं तो आप लोग हमें पहले ऑर्डर कर देते हैं, तो आप जिस तरह कहेंगे, देसी हो या भारमी हो या बाजारी हो, जिस तरह का आप खाना चाहें हम आप लोग इंशाल्लाह तैयार अपने बना देते हैं। इससे पहले आप कहाँ पे थे? इससे पहले हम स्कर्दू में थे। अच्छा, इस पर स्कर्दू में थे, ठीक। कितने दिनों के लिए आप आए यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान साइड पे? 8 दिनों के लिए। 8 दिनों के लिए इन्होंने टूर इन्होंने अरेंज किया और ये लोग आए हुए पूरे फैमिली के साथ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं अभी इस वक्त ये लोग खशल रिजॉर्ट में हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे मुख्तलिफ चेरी हैं। अभी हम इस वक्त जो चेरी गार्डन है ना, हम उसमें खड़े हैं और आई थिंक आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे चेरी हैं, मुख्तलिफ चेरी हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं जो ये खशल जो रिजॉर्ट आपने देखा कैसा लगा आपको? बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, किनारे पे है। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली। तो भाई बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए हुए हैं। थैंक यू सर, बहुत मेहरबान आपके। 800 महीने शिकार का खशल मेन खशल रिजॉर्ट इन खशल रिजॉर्ट इन है। सबसे ज़्यादा मशहूर है तीन चेरी ला और ढोल ला, मुख्तलिफ किस्म के फल फ्रूट के लिए काफ़ी फेमस है। और अभी हम यहाँ पर आए हैं उस रीजन में जहाँ पर चेरी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेरीज होते हैं जिसमें रेड कलर के हैं और ब्लैक कलर के हैं। अभी हम यहाँ पर रेड कलर का टेस्ट कर रहे हैं, अभी इधर से हम ले कर जाएँगे खाने के लिए। काफ़ी टेस्ट कर रहे हैं। सना कैसा है चेरी? How is the taste? It's very tasty. You can see this one. It seems like very juicy. और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये गार्डन है जहाँ पर चेरी के दरख्त हैं, सारे डिफरेंट है रेड कलर के। अभी फुल पके नहीं हैं, थोड़े से पके हुए हैं लेकिन फिर भी अच्छे हैं। ये रेड कलर के हैं और ये है ब्लैक कलर के। इसमें से काफ़ी सारे उतारे गए हैं बट लेकिन फिर भी काफ़ी हैं। ये पूरा का पूरा काफ़ी बड़े एरियाज पे फैला हुआ है और ये ब्लैक चेरी है, ये ब्लैक है तकरीबन इसको जम करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। Thank you.
आप सबको भी चाहिए कि आप यहाँ पर आ जाएं, फैमिलीज के साथ आ जाएं, आप दोस्तों के साथ आ जाएं, यहाँ पर घूमें, यहाँ पर देखें, ये बहुत खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है।